जन जागरण महाअभियान के तहत रसना द्विवेदी द्वारा शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सितलहा जवा में नशा मुक्ति अभियान और छात्राओं को नारियों को उत्पीड़न मुक्त कर स्वतंत्रता दिलाएंगे। एकता में ताकत होती है और एकता के साथ किया गया प्रयास ही सार्थक होता है। इसी एकता के बल पर सितलहा की शासकीय हाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्कूल से बाजार तक रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे गांव में भ्रमण कर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। जन जागरण महाअभियान गांव को नशा मुक्त करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है। सिरमौर की छात्राओं को अभी उपलब्ध संसाधन व सामर्थ्य के अनुसार आसपास के ग्रामों में सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रही है। इसमें नशा मुक्ति उनका मूल मकसद है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही है। समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़वा कर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान की जा रही है। इस अभियान में छात्र छात्राओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्याओं में जुड़कर गांव को नशा मुक्त बनाने में संकल्पित नजर आ रही है। वहीं संयोजिका रचना द्विवेदी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, केवल नेता लोग महिला सुरक्षित की बात करते हैं, वहीं नशा भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। नशे में युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रसित है। सरकारें कोई भी हो अपने फायदे के लिए नशे की दुकानें घर घर खुलवा रही है। नशा से नाम खराब होता है, अपने नाम के साथ पूरे घर समाज का नाम बदनाम होता है। वहीं उन्होंने युवा भाइयों से निवेदन किया है कि नशा मुक्त रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। वहीं उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर भी प्रकाश डाला, वहीं बेटी बचाओ व नशा मुक्त पर संकल्प दिलाया, वहीं नशा मुक्ति एवं महिला सुरक्षा के जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इसके लिए हम प्रशिक्षण देने के लिए उनका निर्देश हम समय कर रही है। यह कार्य शिक्षक की अनुभव पर कार्य करेगा। यदि शिक्षक बच्चों से प्रार्थना के समय पूछे कि कौन कौन अपने जीवन में अभ्यास किया है तो बच्चे सतर्क हो जाएंगे और अभ्यास करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं जानती कि हमारे युवा भाइयों पे, हमारे युवा साथियों पे कौन सा फिल्म इंडस्ट्री का अभिनेता उनके लिए रोल मॉडल है, पर मैं इतना जानती हूँ कि हमारे युवा भाइयों के लिए क्या रोल मॉडल होना चाहिए, कैसा चरित्र जीना चाहिए। मैं चार लाइन की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। यदि आप सबको लग जाए कि ऐसा चरित्र ही हम सबको जीना चाहिए तो आप सबसे आशीष चाहती हूँ। सुने कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता रसना ही सहन करके विवेकानंद हो जाए। आज का कार्यक्रम मेरा ये था कि जन जागरण अभियान में हमारे मैं चाहती हूँ कि हमारे युवा पीढ़ी, हमारी बहनें, युवा पीढ़ी हमारे इतना सशक्त हो जाएं कि कम से कम हमारे देश में जो गंदगी फैली हुई है नशे की उससे दूर रहें, और हमारी बहनें हैं उनको उनका अधिकार मिले, वो सुरक्षित हो जाएं। सुरक्षित नहीं है हमारी बेटी आज के परिवेश में, कहाँ सुरक्षित आप ही बताएं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें। इस तरह का अभियान आपका कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है अभी तक? चलाया गया हमारा अभियान आपके सिरमौर क्षेत्र से समझे आपके बैकुंठपुर में चलाया गया, सिरमौर में चलाया गया, पटेहरा में, कई जगह मेरा कार्यक्रम हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे देश में इस अभियान को लेके जाऊंगा।